खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बुलंदशहर से। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने समाजवादी पार्टी से विधायक रहे बाहुबली गुड्डू पंडित के काफिले को रोका और रात में गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाकर प्रचार किया जा रहा था। तभी गुप्त सूचना पर सीओ डिबाई वंदना शर्मा और कोतवाल डिबाई ने मौके पर अपने पुलिस बल के साथ पहुंचकर गाड़ियों की चेकिंग की और झंडे उतरवाए। रोक ले रोक ले रोक ले रोक रखो वीडियोग्राफी करो। ठीक है अभी तो झंडे में करो और चेकिंग करवाओ फिर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोग तो चेक करो अपने झंडे करवाओ। आप लोग तमाशा थोड़ी है, चलो भाई हटो सब जाओ यहाँ से। टिकट टिकट खोल भाई, ड्राइविंग सीट चेक करो। जालिम को कहा अपने सितम याद रहेंगे, मजलूमों को बेजुल्म सजा याद रहेगी। मेरी गाड़ी नजर आ रही है शासन प्रशासन को, और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नजर नहीं आ रही है, जो झंडा लगा के सरेआम घूम रही है, उटर बजा रही हैं। लेकिन ये जान ले सरकार कि जितना अत्याचार ये सरकार समाजवादियों पर करेगी, जनता उतनी जोर से इनको हराने का काम करेगी। जय समाजवाद। मैम, कल जो आपके द्वारा चेकिंग की जा रही थी उसमें पूर्व विधायक बुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी, क्या प्रकरण था? देखिए, माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसका पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिबई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई, सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूँगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।